हमको लालू जी प्रधानमंत्री बना देंगे या बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे तो हम बन जाएंगे क्या? प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी बोला था नीतीश कुमार जी को कि डीएनए का सवाल उठाया था, डीएनए का जो गाली जो दिया गया, जेडीयू का मतलब जनता का दमन उत्पीड़न, ये हमने तो नहीं बोला, ये तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। बड़े दिनों के बाद प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि परिवारवाद ठीक नहीं है और जो लोग बिना किसी काबिलियत के पद पर बैठते हैं वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। देखिए, पहली बात मेरा स्पष्ट मानना है, हम लोग लोकतंत्र में जीतते हैं, लोकतंत्र में कोई भी बिहार विधानसभा में या पार्लियामेंट में बिना चुनाव के जा ही नहीं सकता। राजतंत्र तो है नहीं, हम चुन करके आते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के बयान में दोहरापन झलकता है। अब आप पूछिएगा कि आज हमने मुख्यमंत्री जी का बयान देखा, बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी से एक सवाल मेरा पूछना है या मेरे बात को वो गलत कर दे कि दोहरापन वाली बात उन्होंने की है कि नहीं की है। उनके बिहार कैबिनेट में कितने ऐसे मंत्री हैं जो किसी के पुत्र या रिश्तेदार ना हों? एक एक पीढ़ी नहीं, दूसरी तीसरी पीढ़ी के भी लोग जो हैं बिहार में मंत्री हैं। लगभग 8 मंत्री ऐसे हैं जिन पे परिवार का जो है आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन आप बताइए, नाम पढ़ देते हैं, अशोक चौधरी जी के पिता क्या थे, वो भी पॉलिटिक्स में रहे, सुनील कुमार, जयंत राज, सम्राट चौधरी, लेसी सिंह जी के हस्बैंड जो है समता पार्टी से ही लगातार रहे, संतोष सुमन मांझी जी, नितिन नवीन, सुमित कुमार सिंह। अगर उनको ये गलत लगता है, खतरनाक लगता है, तो कम से कम उनको, इन मंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये तो दोहरापन वाली बात हुई ना भाई, कि आप कहते हैं कुछ और कहते हैं कुछ। अब प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी बोला था नीतीश कुमार जी को कि डीएनए का सवाल उठाया था, डीएनए का जो गाली जो दिया गया वो भी तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। जेडीयू का मतलब जनता का दमन उत्पीड़न, ये हमने तो नहीं बोला, ये तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। तो इस पे भी राय बता देते। सर, उन्होंने एक सवाल और किया था कि बिना काबिलियत का, लेकिन मुझे याद है कि जब नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री जब सरकार बना रहे थे तो आपको डिप्टी सीएम बना और आपके काम की तारीफ भी की है, तो ये समझ में नहीं आज उनका इस बयान का मतलब। नहीं, आप किसको क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी, अब तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन पूरा बयान देखने के बाद तो यही समझ में आ रहा कि दोहरापन वाली बात है। 8 मंत्री कैबिनेट के कौन है भाई? बड़ा समाजवादी नेता जब से बताया, जब से बड़ा समाजवादी नेता बताया पार्टी है, परिवार लोकतंत्र है ना भाई। हमको लालू जी प्रधानमंत्री बना देंगे या बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे तो हम बन जाएंगे क्या?